हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास 10। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ओके, ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड द पैसेज पार्ट। नाउ सी द पैसेज इज व्हाट द पैसेज गिवन। द गिवन पैसेज इज द स्फेरिकल मिरर फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन। ओके, वी ऑल नो अबाउट इट कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट केस में उसको यूज करते हैं तो उसकी इमेज अलग अलग बनती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। सिमिलरली अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। दैट टाइप ऑफ केसेस वी ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जब भी इमेज स्क्रीन पे बनती है तो वो इमेज या तो रियल बनती है, एंड व्हेन द इमेज डज नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, जब वो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है, एट दैट केस द इमेज इज वर्चुअल। वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि इन दिस केस क्या होता है, जब हम लोग उस डिफरेंट डिफरेंट केस को कंसिडर करते हैं तो उस केस में किसी केस में इमेज रियल बनती है और कभी वर्चुअल बनती है। ठीक है, अब बात आती है कि व्हेन द टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली। आपको ये पता है कि किसी भी केस में इमेज बनने के लिए हमें मिनिमम टू रेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये टू रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं किसी एक एक्चुअल पॉइंट पे, एक्चुअली मीट करते हैं, तो उस केस में इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। अगर वो रेज अपीयर टू मीट होती है तो एट दैट केस इमेज इज वर्चुअल। दैट पॉइंट इज क्लियर, आई होप। चलिए अब बात करते हैं कनकेव मिरर के लिए कि कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि कनकेव मिरर हमेशा क्या करता है, रियल और इनवर्टेड इमेज को बनाता है फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए ये बात क्लियर है। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, दिस इज द लास्ट केस। यही एक ऐसा केस है जब कनकेव मिरर को आप ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, एट दैट केस जो इमेज बनता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। चलिए ये तो बात थी कनकेव मिरर की। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये बात ध्यान रखेंगे कि कनकेव मिरर में हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड। मतलब क्या कि इमेज जो होगा हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। अब बात करते हैं कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट लाइक आई, ईयर, नोज, एटीसी। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई कि कनकेव मिरर का यूज क्या है। जो डॉक्टर्स मिरर हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, कि एग्जामिन करने के लिए, बिकॉज इट कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डॉक्टर क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है बड़ी बनती है, जैसा डॉक्टर क्या कर सकता है, इजिली एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, तो द कनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर ऑल्सो इन ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ से आपको इस लाइन से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, पहला डॉक्टर्स मिरर में और दूसरा आपको रियर व्यू मिरर जो कि ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इट कैन फॉर्म अ स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये थी पैसेज, और इस पैसेज से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलती है, आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन पार्ट। तो चलिए आई होप ये पैसेज पार्ट आपको समझ में आया होगा कि पैसेज व्हाट द पैसेज वांट टू डिस्क्राइब। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन पार्ट, अगर आप क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं, इफ यू सी द क्वेश्चन पार्ट केयरफुली कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो। कहाँ रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो, ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, कहाँ पे, कनकेव मिरर के। द इमेज इज ईस्ट। अब देखो आपको ये बात पता है कि ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गए, ठीक है, और ये रहा आपका फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो आपके पास एक रेट तो राइट से पैरेलल होगी, फोकस से निकल जाएगी ऐसे, और दूसरी अगर आप उसको फोकस से पास कराते हो तो क्या हो जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल जाएगी। और इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही बनता है। ठीक है, उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर पे ही बनता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि उसका इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर पे ही बनता है। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, उसकी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर पे ही बनती है। ठीक है, तो अब जब सेंटर पे इमेज बनती है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेज जब सेंटर पे बनती है सेम साइज की बनती है,
It means when the object is placed at the center of curvature of the concave mirror, the image formed is real. वाली बात, इमेज तो आपको रियल मिलती है यहाँ से, ठीक है, इमेज इज रियल. अच्छा दूसरे देखिए, इन्वर्टेड बन रही है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बनता है. तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट गलत हो गया, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट यस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाईली इनलार्ज नो. ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है, सेम साइज होती है. ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है, सेम साइज की होती है. तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है. चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. व्हाट द सेकेंड क्वेश्चन वांट टू एक्सप्लेन. चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन सेज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर अ मिरर, ठीक है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट. आपकी इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, आपकी इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी. जस्ट हैविंग सम प्रॉब्लम, वेट. इमेज कैसी बनेगी आपकी, इरेक्ट बनेगी. द मिरर इज लाइकली टू बी, अब बताना है कि मिरर कैसा होगा, ठीक है. अच्छा अब देखिए, जब जब भी हम लोग इरेक्ट मिरर की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इरेक्ट मिरर, ठीक है, तो जब भी इरेक्ट बनता है तो रियल इन्वर्टर बनता है और वर्चुअल इरेक्ट बनता है. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट केस होगी यहाँ पर. अब देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट की केस दो मिरर में होती है, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. क्या बोला कि आप कहीं भी खड़े जो, नो मैटर, हर केस में आपका इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा. तो हर केस में जो इमेज इरेक्ट बनना है, या तो वो प्लेन मिरर होगा या फिर वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा. सो द करेक्ट आंसर इज आइदर द प्लेन मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. द इमेज इज इरेक्ट इन अ प्लेन मिरर एंड ऑल्सो इन अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. चलिए थर्ड की बात करते हैं. अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर. चलिए एक मैजिक मिरर हमारे पास है, उस मैजिक मिरर के पास कोई बच्चा खड़ा होता है. सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड फिगर. अच्छा जल्द से माना जाए कि बच्चा है, उसका जो बच्चा का हेड वाला इमेज है वो क्या बन रहा है, उसका फिगर बन रहा है. द मिडिल पोर्सन, सपोज दैट इज द मिडिल पोर्सन ऑफ द आवर बॉडी ऑफ द सेम साइज. मिडिल पोर्सन कैसा है, सेम साइज का बन रहा है. एंड द लेग्स स्मॉलर, इट मीन्स द लास्ट पार्ट जो आपका है, दैट इज द लेग पार्ट, वो स्मॉलर बन रहा है. तो द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप. चलिए बताना है कि टॉप से क्या कॉम्बिनेशन होगा मैजिक मिरर का, ठीक है. ये तो बात, एक बात आपको क्लियर है कि अगर मिडिल पार्ट सेम साइज का बन रहा है तो सेम साइज वाले किस में प्लेन मिरर हो गए, तो मिडिल पार्ट मस्ट बी प्लेन मिरर. तो मिडिल पार्ट इज द कॉनकेव, मिडिल पार्ट इज कॉन्वेक्स. तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ऑप्शन ए एंड बी. तो या तो ऑप्शन सी सही है या तो ऑप्शन डी सही है. अच्छा अब हम देखते हैं कि हेड और लेग की बात करते हैं. अब हेड वाले पार्ट में क्या बन रहा है, बिगर बन रहा है, और लेग वाले पार्ट में क्या बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है. जब स्मॉलर बन रहा है तो आपको तो ये पता है कि कॉन्वेक्स वाले केस में हमेशा इमेज क्या बनता है, स्मॉलर बनता है. कॉन्वेक्स वाले केस में हमेशा इमेज क्या बनता है, स्मॉलर बनता है, ऑब्जेक्ट छोटी होती है, ठीक है. तो ये तो क्लियर हो गई कि जो लेग वाला पार्ट, जो लोअर पोर्शन मिरर का, वो कैसा आपका कॉन्वेक्स है, और ये यहाँ बोल रहा है कॉन्केव है, तो ये बात भी गलत हो गई. तो जब बचा आपके पास करेक्ट आंसर क्या, सी बचा, बड़ा बन रहा है मतलब ये कॉन्केव हो गया, सेम साइज बन रहा है मतलब प्लेन हो गया, और छोटा बन रहा है मतलब कॉन्वेक्स हो गया. सो द करेक्ट ऑर्डर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्केव प्लेन एंड कॉन्वेक्स. चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ के लिए. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए. फोर की बात करते हैं. तो फोर क्वेश्चन क्या है कि टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. अच्छा इमेज आपको क्या चाहिए, बड़ी चाहिए किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट. वन कैन यूज, कौन से मिरर यूज करना हमें, कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट अ कॉनकेव मिरर, ठीक है. चलिए अब देखिए, आपको इमेज लार्जर चाहिए, कॉन्वेक्स में तो इमेज लार्जर हो ही नहीं सकता, ठीक है, कॉन्वेक्स में तो इमेज लार्जर पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो ये तो ऐसे ही बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज करो ना कि कॉनकेव, हमें तो उल्टा कॉनकेव यूज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो बड़ी बनती है, कॉनकेव मिरर यूज करना है ना कि कॉन्वेक्स, ठीक है. तो अब ये कॉनकेव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव मिरर यूज कीजिए ना कि कॉन्वेक्स. अब प्लेन मिरर जब भी आप यूज करेंगे आपको सेम साइज की इमेज मिल जाएगा, तो ऐसे गलत हो गया, आइदर अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव. अगर कॉन्वेक्स यूज कर लेते हैं तो छोटी मिलेगी, कॉनकेव यूज करते तो बड़ी मिलेगी, तो ये भी गलत हो गया.
सो हमें हमेशा ही में चाहिए बड़ा, तो हमें कनकेव यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज, अब बताना है कॉन्वेक्स मिरर की फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, क्यों? ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन। ये तो बिल्कुल क्लियर बात बताया गया आपको, बिल्कुल सही है। द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लियर टू द मिरर, ये भी बात सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।